days, it's daddy's off, and it's very nice sunny day outside. It's really good, and they are doing some construction outside, but it's okay, bear with me. And it's a hot day. मेरे plants मैंने already water करके बाहर रख दिए हैं और आज मैं नए plants खरीदने के लिए जा रही हूँ और grocery shopping कर रही हूँ. तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, डैडी कुछ काम के लिए बाहर गए हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, बट अब वो आ रहे हैं विद इन 10 मिनट्स. और आई एम मेकिंग मूली पराठे फॉर हेम बिकॉज कल हम इंडियन ग्रॉसरी करने गए थे. उसकी क्लिप्स भी मैं इस ब्लॉग में डालूंगी. तो हम वहाँ से मूलियाँ लेके आए, नॉट मूलियाँ, जस्ट वन दिस मूली एंड आई एम गोना मेक पराठे और मूलियाँ. क्योंकि मौसम बाहर बहुत अच्छा है तो मुझे है कि मैं जल्दी से अपने बालकनी वाले प्लांट्स का काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझे है कि जल्दी से प्लांट्स लग जाएं और मौसम ब्यूटीफुल लगना शुरू हो जाए. ओके, सो मैंने मूली के मिक्सचर में नमक डाल दिया ताकि वो पानी छोड़ दे. अनियन डालूंगी क्योंकि मुझे अनियन अच्छा नहीं लगता. फ्रेश चिलीज एंड जिंजर मसाला इज रेडी. सो व्हाट आई एम गोना डू इज स्टार्ट मेकिंग मिक्सचर, बट उससे पहले मैं उससे पानी निकाल लूंगी. सो दिस मिक्सचर गॉट श्रिंक टू दिस ओनली दिस. ओके, सो मैंने इसमें डाला है धनिया, जिंजर, रेड चिली एंड थोड़ा सा अमचूर, ग्रीन चिली, जीरा एंड अजवाइन बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ आई एम गोना मिक्स इट. मैंने मीमी के लिए जस्ट सॉल्ट वाला निकाल लिया है, अभी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा. उसके बाद मैं इसमें अपना लिए निकाल के डैडी के लिए अनियंस डाल दूँगी. या नाउ आई एम नॉट श्योर कि आटा है मेरे पास गुंदा हुआ या नहीं, शायद थोड़ा सा है और थोड़ा मुझे करना पड़ेगा. बहुत दिनों बाद हम ये मूली के परांठे खा रहे हैं. हमने एक दो बार खाए हैं आलू के. वैसे हम परांठे कम खाते हैं पर यू नो समटाइम मन करता है परांठे खाने के लिए. पहले मैं परांठे बिल्कुल नहीं खाती थी, लाइक बिल्कुल भी मुझे परांठे अच्छे नहीं लगते थे. पर वंस इन अ वाइल मुझे अच्छे लगते थे गोभी के परांठे और उसके क्या बोलते हैं आलू के. वंस इन अ वाइल हम हमेशा हर वीकेंड परांठे खाना अच्छा पसंद करते हैं ना. परांठे लगते ही यार इतने यमी हैं. वैसे हेल्थ वाइज थोड़े हैवी हो जाते हैं, बट यू नो आप अगर घी घू कम लगाएं या मे बी ड्राई बना लें तो अच्छा है. पर जब परांठे खा ही रहे हैं तो अच्छी तरह खा लो, लाइक कम खा लो. जिस दिन खा रहे हो तो अच्छी तरह तेल वेल लगा के खाओ. क्या ये मिक्सचर मुझे लग रहा हो गया रेडी. मैं इसका टेस्ट देखूँगी कि नमक शमक ठीक है तो. ओके, सो पहला परांठा रेडी हो चुका है डैडी के लिए और नेक्स्ट परांठा मैं बनाने वाली हूँ मीमी के. यस मीमी, यस लव यू, यू गाइस लव मी. चलो फिर मैं तो लोगों ने रोटी खवानी है तब तो ही लव कर जाते. रोटी जिद्दे ही तेरे चिपेंड ही खत्म होनी ना हरी तो डाल लव खलास. किधर का मतलब ही लगा तो डाबो ओ वेखी मानो बुग्गे भर भर खाया पिया. ओके, सो दिस इज मीमी टिड्डी परांठा. या मीमी हाथ ना लाइन कर मां. लुक एट डैडीज परांठा एंड डैडी गॉट बटर इन देयर एंड थिंग. ओके, सो आई एम डन विद मेकिंग माई परांठास एंड आई मेड माई सेल्फ टू पतले पतले परांठे बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक हैविंग टू, अदरवाइज आई जस्ट हैव वन. सो आई क्लीन्ड अप ऑलमोस्ट बट माई स्टोव इज स्टिल हॉट सो आई एम नॉट गोना क्लीन दैट. नाउ आई एम गोना एंड आई एम हैविंग माई परांठा विद दिस चाय एंड आई विल कैच यू गाइस लेटर. मिमी हाय हाय.
we are ready now and we are out, and I got my grocery bags with me for grocery. But before that, we are going to nursery because I want to buy some plants for my house. So first we are going to nursery, and then we gonna decide if we gonna get nice plants. We gonna decide to go somewhere for pots. So that's the plan, and I'll catch you guys in a bit because lightning here is like a total mess. मेरे बालों से ब्लैक कलर ऑलरेडी जा चुका है, क्या ओरिजिनल कलर आ रहा है। ओके, तो हम लोग पहुंच गए नर्सरी में। ओके, तो हम लोग नर्सरी में पहुंच चुके हैं, ये काफी अच्छी है। और मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए जैसे कुछ हैंग करने के लिए, तो मैं देखूंगी और आप भी देखिए मेरे साथ। यस, ओके, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और मुझे कोई दो बहुत ही अट्रैक्टिव से कलर के फ्लोरल चाहिए हैंगे। Okay, so I got is these two for my balcony. I really like the color. So I got is these plants, these ones. So मैंने plants घर पे रख दिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं IKEA because I want to buy some pots for my plants and we want some other furniture for our house too. So we are going there first, then we are going to do our grocery. ओके, तो हम लोग IKEA पहुंच गए हैं बिकॉज आज मंडे है तो इसलिए इतना बिजी नहीं है। हिम्मत की डैडी सोच रहे थे कि हिम्मत को यहाँ पे दे दें, पर हिम्मत कह रहा कि नो, मुझे वापस नहीं जाना, तो उसे वापस नहीं छोड़ा है। मीमी इज हैप्पी एंड यस, आई एम हैप्पी टू। Hi guys, तो हम लोग आए थे IKEA और यहाँ पे मुझे हेलोवीन के लिए एक बहुत प्यारा कॉस्ट्यूम मिल गया है, बैटवुमन। हिम्मत मेरी बात नहीं मान रहा, तो मैं उसको डराने के लिए ये स्केरी बन गई हूँ, तो देखते हैं अब उसका रिएक्शन क्या है। कम Let's go then. Okay. It's not that scary, Mimi. Come. Okay, तो हमने almost कर लिया है finish अपनी shopping के साथ, और मैंने ये ली है एक cushion and another one और these mixing balls और Mimi के लिए truck. Yum yum yum. Okay, so I'm gonna get a trolley. Already ja chuke hain andar. And now I got my list ready. First of all, I'm gonna do is veggie shopping. Okay, it's big. Can I get a
cupcake, please. डैडी अपने लिए ब्राउन ब्रेड लेके आओ। तो डैडी गए हैं अपने लिए ब्रेड लेने और मैं लूंगी अब अपना सामान। ओके दिस इज अ गुड डील सो आई एम गोना गेट इज टू ऑफ दीस सो आई एम गोना गेट दिस वन। मेरी ग्रोसरी में मेनली ज़्यादा फ्रूट्स होने वाले हैं और वेजीज, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजीज खाते हैं, लाइक सैलड, क्या बोलते हैं उसको, मैं सब्जियाँ वो इंडियन स्टोर से लेके आई थी। और मुझे एक सीडलेस ग्रेप्स भी चाहिए, तो मैं और अब मुझे चाहिए बनानास। Excited, yeah, and I have all my groceries here, and I need to show you what I got. Yeah. ओके सो बहुत लंबे दिन के बाद हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं है वीडियो बनाने के लिए। पर ये वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग ग्रोसरी में क्या क्या खरीदते हैं, तो मैं कैसे भी हिम्मत जुटा के आपको दिखाने वाली हूँ, शुरू करते हैं। ओके सो द वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज क्यूकम्बर्स। हम लोग क्यूकम्बर्स के ऐसे पैकेट्स खरीदते हैं 3 से 4, क्योंकि ये क्यूकम्बर्स मुझे सैलड में बहुत अच्छे लगते हैं, और या अगर मैं डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ तभी मैं यही क्यूकम्बर यूज़ करती हूँ। पर जब ये क्यूकम्बर अराउंड 3 और 4 के होते हैं तो मैं बड़े वाले क्यूकम्बर्स खरीदती हूँ, पर आज ये 195 के थे तो मैंने इसके 4 पैकेट्स लिए। सो या दीज क्यूकम्बर्स अराउंड 4 पैकेट्स। ये क्यूकम्बर्स डैडी यूज करने वाले हैं उनके सैलड में और हमारे सैलड में, तो ये क्यूकम्बर्स हम बहुत यूज कर। अदर इंग्रेडिएंट है ग्रेप्स, ये बहुत कम लिए हैं मैंने, क्योंकि ये मैं डैडी के फ्रूट सैलड में डालने वाली हूँ, लाइक थोड़े से। तो ग्रेप्स, क्योंकि मैं अराउंड 4 और 5 डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स लेती हूँ, तो इसलिए वन ऑफ देम है ग्रेप, और ग्रेप्स मिमी को भी बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है दिस योगर्ट, ऐसे योगर्ट के अराउंड 2 और 3 पैक्स। ये 0% है डैडी के लिए, पर हम 2% भी ले लेते हैं, पर मैं योगर्ट नहीं खाती क्योंकि नो डेयरी। अदर है दीज रेड अनियन, ये बहुत कम लिए हैं मैंने क्योंकि ये हम लोग सैलड में खाने वाले हैं। कुकिंग में हम लोग वाइट अनियन यूज़ करते हैं, क्योंकि यू नो शेफ थी मैं, तो कुकिंग के लिए वाइट अनियन बेस्ट होते हैं और ये सैलड के लिए बेस्ट होते हैं। तो ये अराउंड 6-7 फॉर अ वीक। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये ब्रोकली। ब्रोकली हम लोग यूज़ करते हैं या एशियन स्टर फ्राई बनाती हूँ मैं, और या फिर किसके लिए,
या फिर ऐसे ही मैं सैलड में खा लेती हूँ. डैडी को अच्छी लगती है अगर मैं ये ब्रोकली को बनाऊँ थोड़ा सा ब्लांच करके, पर मुझे ये रॉ खानी भी अच्छी लगती है मेरे ब्रेकफास्ट में या फिर एनीवेयर एल्स, बट आई रियली लाइक ईटिंग दिस. ओके, अगली इंग्रेडिएंट है ये ऑरेंजेस. ऑरेंजेस मस्ट है हमारे घर के लिए क्योंकि ये डैडी खाने वाले हैं उनके फ्रूट सैलड में और हिम्मत खाने वाला है और मैं भी खाने वाली हूँ. बहुत ज़्यादा नहीं लिए मैंने क्योंकि मैं एक चक्कर और लगाऊंगी अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो. ओके, अगली इंग्रेडिएंट है एप्पल्स. एप्पल्स हम खाते हैं रॉयल गाला एप्पल्स क्योंकि इनका फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, बट मैं समटाइम पिंक लेडी एप्पल्स भी खा लेती हूँ. और एप्पल्स डैडी खाने वाले हैं उनके सैलड में और एप्पल्स मीमी को भी अच्छे लगते हैं, तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है एप्पल. अगली इंग्रेडिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट बनाना, बिकॉज डैडी गोना हैव बनाना एवरी सिंगल डे एंड मीमी गोना हैव इट. एंड समटाइम मैं बनाना खाती हूँ अपने वो पीनट बटर सैंडविच के साथ, तो बनाना बहुत ज़रूरी है. बनाना मैं थोड़े से बहुत ग्रीन लेती हूँ, थोड़े से अच्छे रेडी टू ईट क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं यार. ओके, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मशरूम. मशरूम मेरे घर में हमेशा रहती है क्योंकि मुझे मशरूम अच्छी लगती है खानी बारबेक्यू पे या फिर मेरे ब्रेकफास्ट के साथ, एक सौते मशरूम. अगली चीज़ है ये होल व्हीट ब्रेड. ये हस्बैंड खाते हैं लाइक सुबह पीनट बटर के साथ ब्रेकफास्ट में और मैं भी खाती हूँ, पर मीमी को ये अच्छी नहीं लगती, उसको व्हाइट ब्रेड अच्छी लगती है. अगली मस्ट हैव इंग्रेडिएंट है हमारे घर के लिए द ग्रेप टोमेटोस. तो ये ग्रेप टोमेटो हम खाते हैं सैलड में या फिर ऐसे ही मैं खाती हूँ. हम चाहते हैं कि मीमी को ये अच्छे लगे एज अ स्नैक, पर उसे अच्छे नहीं लगते, पर सून ही उसको अच्छे लगने लग जाएंगे क्योंकि ये इंग्रेडिएंट हमेशा हमारे घर में अवेलेबल रहती है. मस्ट हैव इंग्रेडिएंट है हमारे घर के लिए ये एवोकैडोस. एवोकैडोस अच्छे लगते हैं लाइक मैं इसकी गुआकामोली बनाती हूँ और उसको होल व्हीट क्रैकर्स के साथ खाती हूँ या कुछ भी रेगुलर चीज़ के साथ. और डैडी के सैलड में एवोकैडो जाते हैं और इसलिए मैं एक बैग लेती हूँ जो रेडी टू ईट है और एक ग्रीन जो मैं इसको बाहर रख दूंगी और धीरे धीरे ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा यार. ओके, अगर नेक्स्ट अनहेल्दी चीज है ये डैडी की आइसक्रीम. ये मैंने कभी टेस्ट नहीं की क्योंकि मैंने डेरी थोड़ा कम. नेक्स्ट चीज मैं लेके आई हूँ ये कॉर्न्स. और आज हमारा प्लान था बारबेक्यू करने का तो मैं इसलिए ये कॉर्न्स लेके आई थी. तो यूजली हम ये बॉइल करके खाते हैं या फिर बारबेक्यू करते हैं ज्यादा, पर अभी बारिश होने लगी और बहुत थक गए हम लोग. डैडी ने चाइनीज ऑर्डर किया है तो काइंड रिलैक्स कि मुझे कुक नहीं करना पड़ रहा और अदरवाइज हम बारबेक्यू करने वाले थे. ओके, सो मैंने दो डिफरेंट काइंड की बेरीज ली हैं. ये बेरीज मीमी को बहुत अच्छी लगती खानी और ब्लैक बेरीज. वैसे भी ये बेरीज का सीजन है तो मैं अच्छा गुड डिटॉक्स वाटर भी बनाऊंगी बेरीज के साथ, यू नो बेरी स्प्लैश. अराउंड 3 पैक्स लिए हैं ये ब्लैक बेरीज के और 1 उसका और 1 स्ट्रॉबेरीज का क्योंकि स्ट्रॉबेरीज भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और स्ट्रॉबेरीज भी हमें चाहिए क्योंकि हिम्मत को भी अच्छी लगती है, डैडी को भी अच्छी लगती है. डैडी के सैलड में थोड़ा कलर सा आ जाता है यार. और मेरे हस्बैंड मेरी स्वीट हार्ट मेरे बेबी के लिए किड़ा ऑकवर्ड ला था बेबी कहना बेबी. तो ये मेरी जान की टुकड़ी मेरे पति देव के लिए. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये सोय मिल्क. की चाय पीती हूँ मैं, रेगुलर मिल्क से नहीं पीती, तो ये मेरे लिए है और एक पैक मेरे लिए इनफ है पूरे वीक के लिए क्योंकि मैं बस थोड़ा सा डालती हूँ. ओके, नेक्स्ट चीज़ है ये डेट. हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती हैं एंड उन्होंने अपने लिए प्रोटीन बार्स भी लिए हैं. थोड़ी प्रोटीन बार्स मैं नहीं खाती हूँ, उनको अच्छा लगता है. और नेक्स्ट मस्ट 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 हैव इंग्रेडिएंट है हमारे घर के लिए लेमन. हमारी फ्रिज में लेमन होना बहुत ज़रूरी है. अगर लेमन नहीं है तो हस्बैंड सुबह लेमन वाटर पीते हैं और अभी मुझे भी आई थिंक 2 or 3 महीने हो गए मैं लेमन और हनी वाटर पीती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा दिन नहीं शुरू होता. टशन मशन मीमी के. मीमी ने 2 डिफरेंट काइंड के अपने लिए ये लिए हैं सीरियल्स, एक फ्रूटी लोब्स और अदर शाइनिंग डॉट. मीमी को ये मिनट मेड का ये फ्रूट स्प्लैश ड्रिंक अच्छा लगता है जो 5-6 डिफरेंट काइंड का है. वैसे वो ऑरेंज जूस पीता है पर उसके लिए जूस आता ही है एवरी. अदर थिंग इज माय चाय. I use this Tetley's tea pack and the must have is this honey because of my water drinking thing, lemon honey water. And other thing is this 2% milk. The Mimi's, I don't like giving Mimi full fat milk because it's very good starting as early as possible because you know full cream milk is high in cholesterol, so recommended when your baby 2 years old you guys can give them light milk. It's nice and healthy. You're gonna get all the nutrients they need and it's good. But if you guys are giving full cream milk, it's all good. But this is me, like my choice. So I'm giving him 2%. Sometimes daddy have tea, like once a while. Otherwise he doesn't really have tea at home. That is it with my grocery haul. I hope you guys enjoyed this video. So I'm gonna show you in next video like how I plan my husband's lunch boxes or maybe how we plan meal or what I eat in a day. This is my grocery. There isn't anything unhealthy. I guess no chips, nothing, but yeah, this is my grocery
another day I got the veggies from Indian store. I'm gonna show you the clip from that Indian store as well. I hope you guys enjoyed this video. If you did, give this video a huge big thumbs up, at least 1,000 thumbs ups please. Yeah, if you want me to make more kitchen videos, please 1,000 thumbs ups, and I'm gonna see you in my next one. Do not forget guys, you're beautiful the way you are. Stay happy and confident, you guys can do anything. Love you. Bye bye, kissy kar de. I like to make money, get turned. I like to make money, get turned. I like to make money, get turned. Got the white girl talking.